तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों साउथ अफ्रीका को हरा दिया है भारतीय टीम ने। अब भी जानना चाहते हो भारतीय टीम ने तीसरा टेस्ट मुकाबला कैसे जीता, इसका पूरा हाईलाइट देखना चाहते हो, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय टीम ने कैपटाउन में पहले बैटिंग करते हुए 223 रन बनाए, जिसमें सबसे ज़्यादा किंग कोहली ने 79 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने जिसके जवाब में 210 रन बनाए और बुमराह ने 5 विकेट चटकाए भारत की ओर से और साउथ अफ्रीका को नस्तनाबूद कर दिया। साउथ अफ्रीका को ऑल आउट होने के बाद दूसरे दिन भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई, मगर भारतीय टीम को दो बड़े झटके लगे। केएल राहुल 10 रन बना पाए, मयंक अग्रवाल मात्र 7 रन बना पाए और भारतीय टीम दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट गंवाने के बाद 57 रन बना चुकी है, जिसमें पुजारा अभी नाबाद खेल रहे 9 रन पे, तो वहीं कोहली 14 रन बनाने के बाद अभी भी नाबाद हैं। तो आज दूसरे दिन का जो खेल है वो खत्म हो चुका है और भारतीय टीम के बल्लेबाजों पे पूरा का पूरा मैच निर्भर हो चुका है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज तीसरे दिन अगर बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं तो फिर पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी और साउथ अफ्रीका को हरा देगी।